नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये जो किताब है वो जो पारिवारिक मुकदमे होती है, चाहे वो मुकदमा 498A का हो, DB एक्ट का हो, मेंटेनेंस केस का हो, सेक्शन 9 का हो, डाइवोर्स केस का हो, या फिर कोई भी जो पारिवारिक मुकदमे होती हैं उन्हीं से संबंधित इस किताब में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो यदि आप कोई पारिवारिक मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप मेरी इस किताब का अध्ययन एक बार जरूर करें, जिससे कि आपके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसके बारे में आप और बारीकी से जान सके, सारी चीजों को अच्छे से समझ सके, कैसे प्रोसीडिंग चलती है जान सके, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है जान सके, मेरे टिप्स जान सके, अन्य आवश्यक जानकारियां जान सके। तो सारी चीजें इस किताब में सम्मिलित कर की गई है। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करते हैं तो ऐसे में आपका जो पारिवारिक मुकदमा चल रहा है उसके संबंध में आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। इससे फायदा यह होगा कि आपके लाखों रुपए बच जाएंगे, क्योंकि जब आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा तो आपसे पैसे की ठगी नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जब आपको खुद जानकारी होगी तो आपका इससे समय भी बच सकेगा, पैसा भी बच सकेगा और आपकी मेहनत भी बर्बाद नहीं जाएगी। तो आप मेरे द्वारा लिखे गए इस किताब का अध्ययन जरूर करें और अपने पारिवारिक मुकदमे में अपना पक्ष जरूर मजबूत करें। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने इस किताब के एक चैप्टर का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे फायदा होगा ये कि आप लोग मेरे इस किताब के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे, साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का मुकदमा चलता है उसकी प्रोसीडिंग कैसे चलती है, उसमें क्या क्या कार्यवाहियां होती है, FIR दर्ज होने से लेकर जजमेंट आने तक क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, ये सारी चीजें इस किताब में मैंने सम्मिलित की है। और वही चीज आज इस किताब के माध्यम से मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से ये जो मेरी किताब है उसका जो अध्याय एक है, उसका टॉपिक जो पहला है, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आपराधिक मुकदमा होता है, चाहे वो 498A का केस हो या कोई भी आपराधिक मुकदमा जो मैट्रिमोनियल से संबंधित है, वो जब होता है तो उसमें क्या कार्यवाहियां चलती हैं, एक बार FIR दर्ज हो जाने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, क्या क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या क्या कार्यवाहियां होती हैं, वो सारी चीजें आज हम समझने वाले है। तो ये मेरी किताब का एक टॉपिक है जिसे आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, आज मैं आपको FIR केस जो होता है, यानी स्टेट केस जो होता है जिसमें FIR दर्ज होता है, अब दो तरह से केस दर्ज होते हैं, कंप्लेंट केस और FIR के स्टेट केस। तो देखिए, स्टेट केस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेट केस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है, पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज की जाती है, यानी जो पत्नी होती है वो थाने में जाके पति के विरुद्ध अपना कंप्लेन करती है। उसके बाद देखिए, जो पुलिस वाले होती हैं वो 41 CRPC का हस्बैंड के लिए नोटिस इशू करते हैं, यानी पति को इसकी सूचना देते हैं कि आप आइए, आपके विरुद्ध ये कंप्लेन आई है, आपका काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद देखिए, जब पति को नोटिस प्राप्त हो जाता है तो पति थाने पे आता है, वहां पे काउंसलिंग कराई जाती है। अब देखिए, काउंसलिंग जब कराई जाती है तो इससे दो चीजें सामने निकल के आती हैं, पहला या तो समझौता हो जाता है, पति पत्नी साथ रहने को तैयार हो जाते हैं, या डाइवोर्स लेके अलग हो जाने को तैयार हो जाते हैं, तो वो केस वहीं पे समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज जो सामने निकल के आती है वो ये होता है कि पति के विरुद्ध FIR दर्ज होता है। तो यहाँ पे जब FIR दर्ज हो जाता है उसके बाद अब हम समझेंगे, क्योंकि अगर समझौता हो जाता है तो मामला वहीं पे समाप्त हो जाता है, लेकिन जब FIR दर्ज हो जाता है तो अब उसके बाद क्या होता है। तो देखिए, जब FIR दर्ज हो जाता है और पति को अगर डर रहता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस उसे परेशान करती है, तो ऐसे में पति को अग्रिम जमानत भी लेना पड़ जाता है, यानी FIR दर्ज होने के बाद पति को अग्रिम जमानत लेना होता है, वो भी तब जब आवश्यक हो, बिना आवश्यकता के ही आपको अग्रिम जमानत नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद जब FIR दर्ज हो गया, अग्रिम जमानत आपने करा लिया, तो ये तो अग्रिम जमानत जो है वो आवश्यक नहीं है, हो सकता है आप कराए, हो सकता है आप नहीं कराए। अब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, यानी पुलिस जांच पड़ताल स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सबूत कलेक्ट करना होता है, साक्ष्यों को जुटाना होता है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो इसमें भी दो चीजें निकल के आती हैं, पहली चीज तो ये कि पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिलता है, साक्ष्य
ही नहीं मिलता है, तो ऐसे में जो पुलिस होती है वो FIR लगा देती है, यानी फाइनल रिपोर्ट लगा देती है और वहीं पे मामला समाप्त हो जाता है। या फिर कुछ लोगों के विरुद्ध पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो उन्हीं के लिए जो मामला होता है उसे समाप्त कर देती है, जिनके खिलाफ सबूत मिलता है उनके विरुद्ध चार्जशीट लगाती है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो दो चीजें निकल के सामने आती है, या तो सबूतों के अभाव में FIR लग जाता है और जब सबूत मिलता है तो चार्जशीट लग जाता है। अब जब न्यायालय में चार्जशीट लग जाता है तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होते हैं उस मामले पे संज्ञान लेते हैं, यानी देखते हैं कि जो चार्जशीट लगी है वो सही लगी है कि नहीं लगी है, मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब संज्ञान ले लेते हैं, सब कुछ सही रहता है, साक्ष्य रहता है, तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होती है, जो भी अभियुक्तगण होते हैं जिनके खिलाफ मामला बन रहा होता है, उनके विरुद्ध समन जारी करती है, यानी उन्हें न्यायालय में बुला के और विचारण करने के लिए बोलते हैं। तो जब समन इशू हो जाता है उसके बाद देखिए समन जब प्राप्त हो जाता है जो अभियुक्त होते हैं उन्हें, उसके बाद वो न्यायालय में हाजिर होते हैं। जब वो न्यायालय में हाजिर हो जाती हैं तो उनका मीडिएशन कराया जाता है, यानी पति और पत्नी जो होते हैं मीडिएशन कराया जाता है। और इसी समय जो भी अभियुक्त होते हैं पति और उसके घर वाले, उन्हें रेगुलर बेल कराना होता है। अब देखिए जब रेगुलर बेल करा लिया जाता है और मीडिएशन से समझौता नहीं पॉसिबल होता है तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसके बाद चार्ज बनता है, यानी आरोप पत्र बनाया जाता है। जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आरोप का निर्धारण करते हैं कि कौन कौन से आरोप बन रहे हैं, कौन कौन सी धाराएं लग रही हैं, इसका निर्धारण किया जाता है। और उसके बाद देखिए जब चार्ज बन जाता है तो जो अभियोजन पक्ष के गवाह यानी सरकारी गवाह होते हैं उनकी गवाही और जिरह होती है। यानी देखिए जो पुलिस चार्जशीट लगाती है तो में गवाहों का नाम डाल के पुलिस चार्जशीट लगाती है, उन्हीं गवाहों को बारी बारी से बुलाया जाता है और उनकी गवाही दर्ज कराई जाती है। और उसके बाद जो पति पक्ष के वकील होते हैं यानी जो अभियुक्त के वकील होते हैं वो उन गवाहों से बारी बारी से जिरह करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई गवाह है वो आज न्यायालय में आया, अब सबसे पहले उसका बयान दर्ज होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसी दिन फिर उसका जिरह भी किया जाएगा, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। तो जो सरकारी वकील होते हैं वो बयान दर्ज कराते हैं और जो अभियुक्त के वकील होते हैं यानी पति के वकील होते हैं वो जिरह करते हैं, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद देखिए जब क्रॉस वाली ये सारी चीजें प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, सारे गवाहों की गवाही दर्ज हो जाती है, उसके बाद आता है 313 CRPC जिसे बयान मुलजिम भी बोला जाता है। इसमें जो साक्ष्य निकल के आए हैं अभियुक्त के खिलाफ उसमें अभियुक्त से मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि इस पे आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो अभियुक्त होता है वो मजिस्ट्रेट को अपनी बात बताता है और कहता है, वो यही लिखवाता है उसमें बयान में अपने, कि जो भी साक्ष्य निकल के आए हैं वो सब गलत है, झूठ बोला गया है, मुझे फंसाया गया है। तो यही 313 में बयान मुलजिम होता है, यानी जो अभियुक्त होते हैं उनका बयान मजिस्ट्रेट दर्ज कराते हैं। और उसके बाद एक प्रक्रिया आती है सफाई साक्ष्य की। अब सफाई साक्ष्य में जो अभियुक्त पक्ष होता है अगर वो चाहे तो अपनी तरफ से कोई साक्ष्य दे सकते हैं, गवाहों को खड़ा कर सकते हैं। यदि अभियुक्त किसी गवाह को खड़ा करते हैं और उनका बयान दिलवाते हैं तो ऐसे में जो अभियोजन पक्ष होता है यानी सरकारी वकील है, पत्नी पक्ष का वकील है जो, वो लोग मिलके जो पति के गवाह होते हैं जिनका पति अपने सफाई साक्ष्य में गवाही दर्ज कराया होता है उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। यानी सफाई साक्ष्य में पति को अपने सफाई में सबूत देने होते हैं, पति चाहे तो दे सकता है चाहे तो नहीं दे सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी अभियुक्त चाहे तो सफाई साक्ष्य दे या ना दे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो सफाई साक्ष्य देता है, किसी का बयान दर्ज कराता है, तो उसका जिरह भी किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। और जब ये प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं उसके बाद नंबर आता है फाइनल आर्गुमेंट का। अब फाइनल आर्गुमेंट में जो अभियोजन पक्ष के वकील होते हैं यानी सरकारी वकील होते हैं, जो जो भी चीजें फैक्ट को वो लाए होते हैं सबूतों के आधार पे, क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पे, बयान के आधार पे, उसे कोर्ट के समक्ष रखते हैं। जो अभियुक्त के वकील होते हैं वो अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष रखते हैं। जब सारे फैक्ट को दोनों वकील कोर्ट को बता देते हैं उसके बाद जो फाइल होती है वो जजमेंट में चली जाती है और उसके बाद ऑर्डर आ जाता है। अब ऑर्डर में यदि कोर्ट को लगता है कि जो अभियुक्त है उनके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है तो उन्हें सजा मिलती है, यदि लगता है कि उनके खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो उन्हें बरी कर दिया जाता है। तो यही भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत जो केस दर्ज होता है, जो स्टेट केस चलता है उसमें प्रक्रिया चलती है, ऐसे ऐसे ही चीजें होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि FIR दर्ज होने से लेके जजमेंट आने तक क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या प्रक्रियाएं चलती है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, यदि आप मेरी ये पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको और भी ज्यादा
ज्यादा डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, आपको कब कब क्या करना है, क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वो सारी चीजें समझ पाएंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाया है, तो ये मेरे एक किताब का टॉपिक था जिसे मैंने आपको समझाया। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि ये किताब कितनी यूजफुल है और आपको कितनी अच्छी जानकारी देने वाली है और कितना आपका मदद करने वाली है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, लेकिन आपको 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको 100 रुपए कोरियर चार्ज भी पे करना है, यानी किताब का जो मूल्य हो रहा है 500 रुपए प्लस 100 रुपए यानी 600 रुपए हो रहे हैं। तो ये किताब यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके मुझसे बोल सकते हैं कि मैं ये किताब खरीदना चाहता हूँ, तो आगे मैं डिटेल में चीजें आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करिएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।